वेलकम माय ऑल फ्रेंड्स। आज मैं आपको पांच चीज़ें बताऊंगा जो कामयाबी के लिए हर एक पर्सन के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए ये ज़रूरी है। क्योंकि आजकल जो है, क्यों पाकिस्तान में, इंडिया में, एनीवन एशियन कंट्री जो है ज़्यादातर, ये क्यों इसकी स्टूडेंट जो है वो डिक्लाइन होते जा रहे, उसका मेन वजह क्या है, मैं इसको पांच चीज़ों का हिदायत करता हूँ। ये पांच चीज़ें जो है जिस पर्सन में आ जाए, यकीन मानो वो ज़िंदगी में बहुत आगे निकल जाता है। नंबर एक जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंट का मतलब कि खुद एतमादी। जिस पर्सन में खुद एतमादी हो, यकीन मानो कि वो कामयाब होगा। चाहे जिस फील्ड में हो, चाहे वो डॉक्टर की फील्ड में हो, चाहे वो इंजीनियर की फील्ड में हो, चाहे वो जॉब की फील्ड में हो, वो कभी भी अपने आप को तन्हा महसूस नहीं करेगा। क्योंकि उनको पता है कि कामयाबी जो है मेरे कदमों के नीचे है और मैं कामयाब हो जाऊंगा। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत से मौके आते जाते हैं, क्योंकि ये अपने आप पर यकीन रखते हैं कि ये काम मैं करूंगा और जितनी तकलीफें भी मेरे सामने आ जाए मैं इनको बर्दाश्त करूंगा। नंबर दो, शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब ये है कि अगर आप जो है नॉलेज सीख लेते हैं, मिसाल के तौर पर फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, मोटिवेशनल, इन नॉलेज को जब सीखते हो तो याद रखो कि इन नॉलेज को दूसरे के साथ शेयर करो। इससे इंसान कामयाब होता जा रहा है, क्योंकि नॉलेज की शेयरिंग से न सिर्फ आप दूसरों को मजबूत कर रहे हो बल्कि अपने आप को भी स्ट्रांग कर रहे हो। नंबर तीन, अल्लाह ताला पर यकीन। अल्लाह ताला पर यकीन रखना, अल्लाह ताला के साथ रिश्ता मजबूत करना, ये इंतहाई ज़रूरी है। क्योंकि हर चीज़ अल्लाह ताला की ताकत में है, चाहे कामयाबी चाहे नाकामी, चाहे किसी चीज़ को डिवेलप करना डिक्लाइन करना, ये सब अल्लाह ताला के काम है। तो याद रखो कि अल्लाह ताला के साथ रिश्ते को मजबूत बना। जब तक आप अल्लाह ताला के साथ रिश्ता, आपका रिश्ता मजबूत नहीं होगा, तो ये मानो कि आप जो है कामयाब नहीं हो पाएगे ज़िंदगी में। नंबर तीन, फील्ड जो है, अपना फील्ड का इंतखाब खुद करो। ये मत कहो कि मेरे वालिद कहता है डॉक्टर बनो तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मेरा वालिद साहब फरमा कहता है कि इंजीनियर बनो तो मैं इंजीनियर बनूंगा, ये नहीं। आपने जो है अपने फील्ड का इंतखाब खुद करना है। खुद करने का मकसद ये नहीं कि आप जो चाहो करोगे, नहीं, आपने अपने अंदर देखना होगा, सोचना, एक अलग जगह पर जाओ और सोचो कि मेरे अंदर कौन सी फील्ड जो है मेरे लिए बेस्ट है। चाहे मेडिकल है तो मेडिकल की फील्ड में जाओ, चाहे आर्ट्स है तो आर्ट्स की फील्ड में जाओ, चाहे इंजीनियर है तो इंजीनियर की फील्ड में जाओ, चाहे राइटिंग है तो राइटर की फील्ड में जाओ। क्योंकि जो दुनिया में रिसर्च की गई है, 8 अरब जो आवाम है, जो रिसर्च की गई कि इन 8 अरब आवाम में तकरीबन 35 जो है 34 जो डिवीज़न है थाईलैंड की डिवीज़न है, यानी हर एक में थाईलैंड जो है वो सेपरेट है। किसी की दिल में होगा मैं डॉक्टर बनूंगा, उसका ख्वाहिश है और वो मेहनत भी करेगा, तो यकीन मानोगे ये बनेगा भी। लेकिन ऐसा नहीं कि आपके दिल में ख्वाहिश जो है वो पॉलिटिकल साइंस का हो या आपके
मार्केटिंग का हो और आप बिजनेस की तरफ जाए, या आपका जॉब के साथ ख्वाहिश है आप बिजनेस की तरफ जाए, या कोई आप दूसरी फील्ड के साथ ख्वाहिश है आप अपना फील्ड चूज ना करें, तो ये आपके लिए कामयाबी का रास्ता नहीं है। ठीक है, डॉक्टर बन जाओगे, लेकिन आपसे काम जो है वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपका ताल्लुक जो है इस फील्ड के साथ आपका इंटरेस्ट नहीं है। यकीन मानो जिंदगी में बहुत ऐसे लोग भी हैं जो लाखों कमाते हैं लेकिन वो अपने आप से खुश, अपने फील्ड से खुश नहीं होते और वो अपने फील्ड को चेंज करते। तो लिहाजा आपने क्या करना है, अपने फील्ड को चूज करना है। नंबर 5 जो है, बुक को पढ़ना। एक बुक को अपने साथ एहद कर लो कि मैं उसको डेली पढ़ूंगा, क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो आप बोलोगे नहीं। ये बोलना भी जो है ये आसान नहीं है, क्योंकि आपके साथ जब नॉलेज नहीं है तो आप कैसे पढ़ेंगे, आप कैसे लोगों को सिखाएंगे। तो मैं आपको हिदायत करता हूं कि एक बुक को ले लो और उसको पढ़ो। पढ़ना जो है ये आपको जिंदगी में बहुत आगे निकल जाता है। एक अंग्रेज का जो कॉल है वो है रीडर लीडर्स। जो रीड करेगा वो लीडर बनेगा। लीडर का मतलब ये नहीं कि मैं पॉलिटिकल मैदान में आगे बढ़ूंगा, नहीं। लीडर का मतलब ये है कि आपने अपने फील्ड को ट्रैप करना है, अपने फील्ड में आगे निकलना है। मुझे अफसोस है कि आज बहुत से कंट्री, एशियन कंट्रीज जो है, इनमें बच्चे जो है उनको अपने फील्ड का पता नहीं है कि मैं क्या बनूंगा। पढ़ते 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 आखिरकार कहते हैं कि तालीम, एजुकेशन जो है ये फजूल है, ये उन लोगों का काम है जो पढ़ना नहीं चाहते। यकीन मानो जो लोग तालीम पढ़ते हैं वो ना गुर्बत को देखते हैं, ना यतीम, एनीवन किसी चीज का भी ख्याल नहीं करते, क्योंकि वो पढ़ना चाहता है। बाज लोग जो है वो बहाने करते हैं कि मेरे पास रुपये नहीं है, मैं गरीब हूं और मेरे पास दौलत नहीं है। ये जो है ये लोग पढ़ते नहीं है। पढ़ने वाले जो है आप देखेंगे, साइंटिस्ट को देखेंगे, वो लाइन थे बल्ब भी उस टाइम ईजाद नहीं होता, वो किस तरह पढ़ते थे आप खुद अंदाजा लगाए। इंटरनेट भी नहीं था, यूट्यूब भी नहीं था। आज तो टेक्नोलॉजी का दौर है, हर चीज आपको घर में मुहैया हो रही है, लेकिन ना शुक्र है। जो पढ़ना चाहता है यकीन मानो कि वो ना दिन को देखता है, ना रात को देखता है, ना दोस्त को देखता है, ना दुश्मन को देखता है। वो कहता है मैंने आगे बढ़ना है तो मैं सिर्फ और सिर्फ काम करूंगा, मेहनत करूंगा। और इसके साथ साथ मैं ये छठा जो है मैं इस पे ये भी ऐड करना चाहता हूं कि माँ बाप की दुआएं, या यकीन मानो कि ये जिंदगी में आपको बहुत आगे निकल जाती है। क्योंकि दो चीजें जो है ये अल्लाह ताला तक डायरेक्ट पहुंच जाती है। नंबर 1 पहला कलमा तैयबा, नंबर 2 माँ बाप की दुआ बेटे के लिए। बाप से दुआ मांगो और ऐसे काम करो कि आपके बाप जो है वो खुश हो जाए। एजुकेशन ये नहीं है कि आप एजुकेशन करो, जज बनो, डॉक्टर बनो और डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, जो भी चाहो वकील बनो। अल्लाह करे कि आप कामयाब हो जाए तो फिर आपने जो है सोच को किया करना है कि मैं लोगों की खिदमत करूंगा, चाहे जो भी फील्ड हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, एनीवन। आपने सोच है पॉजिटिव रखना है।
और ये नहीं कहना कि मैं गुरूर करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। आपने क्या कहा, मैं गरीब को उठाऊंगा, मदद करूंगा उन लोगों का जो कमज़ोर है, जो डिसेबल है, जिनको मेरी ज़रूरत है, मैं उनका मेहनत, मैं इनको साथ पूरा कोऑपरेशन करूंगा। तो यकीन माने आप और भी कामयाब होंगे। तो लिहाजा मैं आपके लिए ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो है अपने आइडिया को पॉजिटिव रखें और ग़लत कामों से बचें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग जाए तो फिर इसको एक सब्सक्राइब दे, क्योंकि इसका हक भी बन जाता है। थैंक्स।